गाइज आज सिंपल इजी जुड़ा हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो कि साड़ी के साथ आप हाँ कर सकते हो एंड जिन्हें बिल्कुल जुड़ा हेयर स्टाइल नहीं आता वो भी इसे कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट से देख रहे हो हाफ यहाँ से मतलब एक साइड का पूरा हेयर लेना है एक साइड का हाफ लेना है पार्टीशन नहीं करना है थोड़ा मैसे ही रहने देना है लेकिन यहाँ से लेना है एंड इसे ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा फफ बहुत ज़्यादा फफ ही आजकल नहीं चल रहा है थोड़ा ही फफ आपको ऐसे पुश करोगे आगे की तरफ ट्विस्ट करके तो हो जाएगा एंड उसे चाहो तो आप बॉबी पिन से या टिकटक पिन से सिक्योर कर लो मुझे टिकटक पिन से ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसके बाद सारा हेयर लेके पीछे आपको एक रबर लगा लेना है इस तरह का ये बन आता है बना हुआ मार्केट में आपको बीस पच्चीस रुपये में मिल जाएगा उसे ले लेना है देख रहे हो इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ लगा लेना है एंड उसके ऊपर पूरा हेयर जो है वो फैला लेना है अच्छी तरह से फिर से एक पतला सा रबर बैंड लेना है आपको उसमें लगा लेना है मेरा हेयर थोड़ा सा ऊपर कट हो रखा है हेयर कट हो रखा है तो बाहर बाहर निकल रहा है एंड सेल्फ में तो ऐसे थोड़ा मैसी हो ही जाता है लेकिन आजकल मैसी हेयर स्टाइल ही ज़्यादा चल रहा है तो इस तरह से आपको ट्विस्ट करते हुए दोनों साइड उसके राउंड राउंड घुमा लेना है जितना बड़ा अगर छोटा बहुत छोटा भी हेयर है फिर भी ये हेयर स्टाइल आप पे बन जाएगा एंड उसको यू पिन की मदद से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है देखो मैं अभी तो कर ही रही हूँ फिर बाद में भी मैं बहुत सारी यू पिन आपको लगा ये आप दुर्गा पूजा पे तीज पे करवा चौथ पे छठ पूजा पे दिवाली पे किसी चीज़ पर भी कर सकते हो साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है एंड सिंपल इजी एंड एलिगेंट सा अच्छा सा लगता है ये तो बहुत जल्दी जल्दी में हो आप तो इसे ट्राई कर इसके बाद मैं येलो गजरा लगा रही हूँ आपके पास नेचुरल फ्लावर है तो उसका गजरा लगा लो व्हाइट लगा लो जो भी सो so गाइज ये रहा फाइनल आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा